हेलो फ्रेंड्स, बहुत टाइम से मन था कि मैं रजनीगंधा के बल्ब लगाऊं, तो ये मैंने बल्ब मंगाए थे ऑनलाइन, दो प्लांटो गैलरी साइट थी वहाँ से मंगवाए थे। तो ये दो हेल्दी बल्ब्स हैं, इनको हम पॉट में लगाते हैं और देखते हैं कि क्या पिछले लॉकडाउन से जो रजनीगंधा मैं उगाने की सोच रही थी, क्या उसके फूल मुझे मिल पाएंगे इस साल। तो ये पॉट की मिट्टी मैंने थोड़ी सी हल्की कर ली है, इसमें पानी पहले से ही सुबह से डला हुआ है इसलिए मिट्टी गीली है। थोड़ा सा इसको डीप कट लगाते हैं और इन बल्ब्स को यहाँ सेट कर देते हैं। एक बल्ब इधर लगा देते हैं और थोड़ी सी दूरी पर एक बल्ब और सेट कर देते हैं। ये रजनीगंधा के बल्ब जो हैं इसमें लगा दिए हैं। इसका अपडेट मैं आपको दिखाती रहूँगी कि इसकी ग्रोथ कैसी हो रही है और कितनी हो रही है, ये हम टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। ये मेरे पास एक बड़ी रेक्टेंगल बास्केट है जिसमें मैंने पहले से अच्छे से इसको सेट कर देते हैं। अब इसको मिट्टी तो पहले से गीली है लेकिन थोड़ा सा पानी दे देंगे, उसके बाद जब पानी पूरी तरह से सूख जाएगा, जब ऊपर की मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो जाएगी, फिर इसको पानी लेंगे। ये एक रेक्टेंगल पॉट है मेरे पास जिसमें मैंने ये एक जीनिया लगाया हुआ है, बडिंग हो रही है इसमें, फ्लावर शायद खुल जाएगा एक दो दिन में। और इसके नीचे मैंने इधर ये पुदीना लगाया हुआ है। पुदीना की रूट क्योंकि गहरी नहीं होती तो ये पुदीना ऊपर चलेगा, ये डीप रूटेड होते हैं तो ये थोड़े नीचे तक रूटिंग कर लेंगे। और बीच में मैंने यहाँ डिवाइड किया हुआ है इस पॉट को टेराकोटा का टुकड़ा लगा के, और यहाँ पर मैंने दो ये रजनीगंधा के बल्ब लगा दिए हैं। मिलते हैं अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।